अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच 9 दिसंबर को हुए क्लैश के बाद आज शिवसेना डोगरा फ्रंट इस समय जम्मू में चाइना के खिलाफ, चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। शी जिनपिंग जो कि चीनी राष्ट्रपति है, उनका तस्वीरें जो है वो हाथ में लेकर और चीनी झंडे को हाथ में लेकर जो है वो आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें कि कुछ एक सैनिक जो थे वो दोनों ओर से जख्मी हुए थे। और यहाँ पर देखिए आज विरोध होता हुआ शी जिनपिंग का चीन का। नौ दिसंबर को ये पूरी वारदात हुई जब भारतीय सेना और चीनी आर्मी आपस में बातचीत कर रही थी, और उसी दौरान वहाँ पर तवांग सेक्टर में यांगटसी के पास एक क्लैश होता है, और इस क्लैश में दोनों ओर से जो सैनिक हैं वो जख्मी हो जाते हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं, जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन के सैनिक का अधिक जख्मी हुए, और भारतीय सेना ने चीन की इस हिमाकत का एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया। गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद चीन ने ये एक और हिमाकत की है भारतीय सेना के साथ। हालांकि इस बार भी देखिए यहाँ पर आप शी जिनपिंग के तस्वीर को आग लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, चीन के झंडे यहाँ पर फूके जा रहे हैं, चीन के खिलाफ यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इस समय होता हुआ कि आखिर क्यों बार बार चीन जो है वो हिमाकत करता है, वो सीमा का उल्लंघन करता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना दबदबा बनाने के लिए चीन इस प्रकार की गतिविधियां करता है, लेकिन हर बार उसे भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब देती है, चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो या फिर गलवान हो या फिर और कोई सेक्टर हो। इस बार घटना तवांग सेक्टर की है। कर रहा है कोविड का वातावरण वहाँ फैल गया है, और कोविड के कारण वो चाहता है ध्यान को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाए। कोविड अंदर बुखला गया है, इसलिए वो परिस्थितियों को बांटने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ आर्या पार एक ही बार लगातार युद्ध बालाकोट जैसा और कोविड की परिस्थितियाँ समाप्त हो जाएं। वो चाहता है ध्यान को डाइवर्ट करके युद्ध किया जाए, और अंदरूनी हालात जो कोविड के कारण चरम सीमा के ऊपर है उससे निजात मिले, लेकिन ये होने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ आर पार लगातार युद्ध युद्ध युद्ध। मुझे बताइए कि पहले भी चीन ने बहुत बार हिमाकत की है? अरे हिमाकत की है, उसको फल मिला है, लेकिन अब अंदरूनी हालात खराब है। अब उसके हालात ठीक नहीं है, कोविड के कारण चरमर आ गया, वहाँ दूसरी फोर्सेस उसके खिलाफ जिनपिंग के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, नारे लगा रही हैं। इसलिए ध्यान को बांटने के लिए वो हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना का युद्ध चाहता है। जो अभी इसके लिए युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच, क्या आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं चीन बौखलाया हुआ है? उससे बिल्कुल स्पष्ट है, चीन समझता है अमेरिका और ये मिल करके हमारे खिलाफ विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका असर मेरे पर ही होगा, इसलिए वो बखला गया है, कोविड के साथ बखला गया है, चाइना और अमेरिका, हिंदुस्तान और अमेरिका का अभ्यास से घबरा गया है, और वो चाहता है कि ये जो हालात हैं अब मेरे खिलाफ हैं, और वो इस चीज़ को युद्ध के सिस्टम में बदलने का प्रयास कर रहा है। तो शिवसेना डोगरा फ्रंट का साफ कहना है कि चीन जो है वो अंदरूनी हालात और कोविड की वजह से बौखलाहट में है, और इसीलिए भारत के साथ वो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है ताकि वो अपने अंदरूनी हालातों से और विशेषकर कोविड से दुनिया का ध्यान जो है वो भटका सके, यानी कि डाइवर्ट कर सके। साफ तौर पर मांग है कि अब चीन पर भी एक बड़ा हमला होना चाहिए ताकि एक आर पार का युद्ध हो, और चीन की जो विस्तारवादी नीति है और जिस पैंतरे पर चीन लगातार भारत के साथ सीमाओं पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है उन पर पूरी तरह से अंकुश लगे, और जो भी देश की सीमाओं से हिमाकत करेगा उसके खिलाफ इसी प्रकार की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो तत्काल होनी चाहिए। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।